बर्थडे हो या एनिवर्सरी या कोई भी ओकेशन, अगर आपको कुछ चटपट डेजर्ट बनाना है तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे ओरियो कपकेक्स मिंटो में। तो चलिए शुरू करते हैं आसान विधि से। ओरियो कपकेक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट्स के दो छोटे से पैकेट्स लिए हैं, जिसमें हर एक पैकेट में 5 पीसेस हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने 10 पीसेस ले लिए हैं। इसको अब हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जितनी शुगर ऐड करेंगे और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल ही फाइन पाउडर। तो ये देखिए हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। इसको अब मैं एक बाउल में निकाल दूंगी। इससे अब हम हमारा बैटर तैयार करेंगे कपकेक्स के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हाफ कप जितना मिल्क ऐड करना है। बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और उसको मिक्स करते रहिए। आप चाहो तो इसमें थोड़े से चोको चिप्स या फिर नट्स भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं प्लेन बना रही हूँ। इसी तरह से हमने इसमें पूरा दूध ऐड कर लिया है, उसको एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस बैटर को जो ग्रीस किए हुए कपकेक्स मोल्ड है उसमें डाल देंगे। आप इसको पूरा फुल मत भरिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भर सकते हो। ये देखिए हमने भर लिया है इसको एकदम अच्छे से। अब हम इसको प्री हीट ओवन में डाल देंगे, जिसको मैंने 180 डिग्री पर बेकिंग मोड पर कम से कम 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। और अब हम इसको, इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम कर देंगे 155, और उसको 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। आप बीच में चेक कर सकते हो टूथपिक की सहायता से। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ओरियो कपकेक्स है तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं टूथपिक से चेक करूँगी, ये स्टिक नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट्स रेडी। अब हम बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम। तो इसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, उसको अच्छे से विस्क करेंगे और इसकी फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो हमारा व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप जितना चॉकलेट बिस्किट क्रम्स डालेंगे और उसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इसको हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे, और मैंने पाइपिंग बैग को आगे से कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा जो ओरियो कपकेक है, इसको अच्छे से फ्रोस्ट करेंगे क्रीम से। सारे छोटे जो कप्स है उस पर भी एकदम अच्छे से इसको फ्रोस्ट कर लिया। आप चाहो तो आप अपने तरीके से इसको कर सकते हो, कोई भी नोजल्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली कट करके कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो आधी क्रीम निकाली थी, थोड़ी सी निकाल के रखी थी, उसमें ग्रीन फूड कलर ऐड किया था और उसको मैंने एक नोज़ल की सहायता से अपना मन पसंदीदा जो भी है वो शेप दिया है। वैसे मेरी आइसिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ट्राई करने से ही उसमें परफेक्शन आएगा। सो आप भी अपने हिसाब से ट्राई कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस पर मैंने थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स या जो कैंडी बॉल्स होती हैं वो डाल दिया है, और 1/2 ओरियो बिस्किट्स को ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दिया। तो हमारा ओरियो बिस्किट कपकेक तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।